हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रोडवेज बस ड्राइवर कंडक्टर को पीटा, गुस्साए बस ड्राइवर और कंडक्टर बैठे धरने पर। सूचना पर अधिकारी पहुंचे मौके पर, बसों का संचालन नहीं होने से यात्री हुए परेशान। बाड़मेर केंद्रीय बस स्टैंड से पैसेंजर को लेकर जयपुर जा रही रोडवेज बस के ड्राइवर व कंडक्टर से मारपीट का मामला सामने आया है। इस पर गुस्साए बस ड्राइवरों व कंडक्टर ने रोडवेज बसों का चक्का जाम कर दिया और बस स्टैंड पर धरने पर बैठ गए। बीते करीब 4 घंटे से एक ही बस केंद्रीय बस स्टैंड से बाहर रवाना नहीं हुई, जिससे पैसेंजर्स को इससे परेशानी हुई। सूचना मिलने पर डीएसपी और एसडीएम बस स्टैंड पहुंचे। रोडवेज कर्मचारियों की मांग है कि मारपीट करने वाले लोगों को गिरफ्तार की जाए। दरअसल गुरुवार सुबह करीब 10 बजे केंद्रीय बस स्टैंड से पैसेंजर को लेकर बाड़मेर से जयपुर के लिए रोडवेज बस रवाना हुई, लेकिन सिंदरी चौराहे से कुछ ही दूरी पर एक पैसेंजर ने हाथ देकर रुकवाया। इस दौरान निजी बसों के 8 से 10 लोग आए और बस ड्राइवर जोगाराम कंडक्टर के साथ मारपीट शुरू कर दी। पीछे से कोई बोला कि वाहन को जला दो। इस पर ड्राइवर डर के मारे बस को केंद्रीय बस स्टैंड लेकर आ गया। बस में पैसेंजर बैठे थे। इसके बाद गुस्साए बस ड्राइवरों व कंडक्टर वहीं पर हड़ताल पर बैठ गए। सूचना मिलने पर पुलिस डीएसपी आनंद सिंह राजपुरोहित, एसडीएम रोहित चौहान बस स्टैंड पहुंचे। रोडवेज यूनियन इंटेक शाखा प्रभारी रूगाराम ने बताया कि अवैध बसों के मालिक व ड्राइवर आए दिन मारपीट व गाली गलौज करते हैं। इस संबंध में एसडीएम और कलेक्टर से मिले थे, लेकिन किसी प्रकार का कोई हल नहीं निकला। उन्होंने मारपीट करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की तथा सिंदरी चौराहा नो पार्किंग जाने घोषित होने के बावजूद बसें खड़ी रहती हैं, इसको हटाया जाए। मांग माने जाने तक हड़ताल जारी रहेगी। पैसेंजर्स हुए परेशान। करीब 4 घंटे तक केंद्रीय बस स्टैंड से एक भी बस अन्य जिलों और जगहों के लिए रवाना नहीं होने से पैसेंजर को भारी समस्या का सामना करना पड़ा। इस दौरान पैसेंजर स्टैंड पर बार बार पूछते नजर आए कि बस कब रवाना होगी। कई पैसेंजर्स वापस घर की ओर चले गए तो कई अन्य साधनों से बाहर गए। रोडवेज कर्मियों की हड़ताल के बाद डीएसपी आनंद सिंह राजपुरोहित, एसडीएम रोहित चौहान, बाड़मेर आगार प्रबंधक उमेश नागर व रोडवेज यूनियन के पदाधिकारियों के बीच करीब आधा घंटे तक वार्ता चली है। वार्ता के दौरान यूनियन ने 2 मांगे रखी कि सिंदरी सर्कल नो जोन पार्किंग है, इसके बावजूद भी गाड़ियां पार्किंग में खड़ी रहती है और आए दिन लोगों के बीच झगड़ा होता है। दूसरी मांग, मारपीट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। इस डीएसपी ने ट्रैफिक प्रभारी डिंपल कवर को बुलाया, निर्देश दिए कि सिंदरी चौराहे कोई पार्किंग गाड़ी खड़ी नहीं होनी चाहिए। हालांकि वार्ता सफल नहीं हो पाई है। सुबह रोडवेज की बसों में और प्राइवेट बसें लोक परिवहन का कोई पैसेंजर्स को लेकर विवाद हुआ था, आपस में मारपीट हुई, उसका मुकदमा दर्ज कर लिया है पुलिस ने। और रोडवेज की डिमांड ये है कि एक तो मुकदमा दर्ज करें और एक जो नो पार्किंग जोन है सिंदरी चौराहे पे उसको उसकी पालना की जाए। अधिकतर क्या यहाँ पर हमेशा ये अपने पैसेंजर्स को लेकर झगड़ा लड़ाई झगड़ा होता है। उस संदर्भ में जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर ने पाबंद कर दिया है शाम को एक पॉइंट लगा के, और जो भी गाड़ी इवन रोडवेज भी हो प्राइवेट हो कोई भी हो, अगर नो पार्किंग है तो यहाँ उसका चालान काटें ताकि ये विवाद आगे नहीं बढ़े। जागरूक टीवी की बाड़मेर से खास रिपोर्ट।